आखिरी ओवर में 5 छक्के जड़कर गुजरात के जबड़े से जीत छीनने वाले केकेआर के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने अपनी इस धमाकेदार पारी के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल गुजरात और केकेआर के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मैच के आखिरी ओवर में यश दयाल को 5 छक्के लगाकर मैच जीतने वाले रिंकू सिंह ने कहा कि मुझे खुद पर यकीन था कि मैं ऐसा कारनामा कर सकता हूं। जब मैं बैटिंग करने के लिए जा रहा था तब हमारे कप्तान नीतीश राणा ने भी मुझे कहा कि तुम अंत तक बैटिंग करने की कोशिश करना, फिर जो होगा देखा जाएगा, चाहे हम मैच जीते या फिर हारे। और नॉन स्ट्राइकर एंड से उमेश भैया भी मुझे यही समझा रहे थे कि कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक एक गेंद पर फोकस करो। मैं बस छक्के मारने की ही कोशिश में लगा हुआ था क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ छक्के लगाकर ही जीत सकते थे। किस्मत से गेंद भी बैट के बीचों बीच लग रही थी। मैच के बाद कप्तान नीतीश राणा ने भी कहा कि हमें रिंकू सिंह पर यकीन था क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी करके हमें जीत के बेहद करीब ला दिया था, लेकिन उस समय हम मैच नहीं जीत सके थे। लेकिन जिस तरह से आज रिंकू सिंह ने मैच को फिनिश किया है वह काबिले तारीफ है। दोस्तों, रिंकू सिंह की इस धमाकेदार पारी के बाद आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें।